हेलो एक्सप्रोग्रामर्स, उस सर की पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि ऑर्डर क्लास क्या होती है और किस तरीके से हम लोग ऑर्डर क्लास का यूज करते हैं। उस सर के इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे कि नेस्टेड क्लास क्या होती है एंड हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने वेब डेवलपमेंट में। तो शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आपने अच्छे से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद मैं कंट्रोल एन प्रेस करूंगा एंड न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। उसको मैं कंट्रोल एस के थ्रू सेव करूंगा। ओके, इसका नाम रखूंगा मैं नेस्टेड डॉट पीएचपी। ठीक है, master.php। ओके, सिंपल एचटीएमएल टैग मैंने ओपन करा, master क्लास एंड बूटस्ट्रैप। ओके, मैं क्या करूंगा, मेटा टैग तो आ ही गया, तो मैं क्या करता हूँ, जो तो एक बूटस्ट्रैप की जो एक्सटर्नल सीएसएस है उसको बूट सर्विस सीएसएस है वो, और साथ ही साथ अपने जो मैंने सीएसएस बनाई है ग्रिड स्टाइल और सीएसएस के अलावा किया, फिर स्टाइल और कुछ भी आप कर सकते वो लिंक अप कर लूंगा। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, तो गाइस पहले तो ये जान जाते हैं कि नेस्टेड क्लास मतलब क्या होती है। नेस्टेड क्लास बूटस्ट्रैप में देख, इसे हम कह लीजिए कि एक रो है, ठीक है, उस रो के अंदर आपने उस रो को आपने डिवाइड कर दिया कॉलम में, एंड अगर आपको कॉलम के अंदर भी कॉलम चाहिए है तो आप नेस्टेड क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करते हो बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो स्टार्ट हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डिव क्लास ले लेंगे, इसका नाम रखेंगे कंटेनर। ठीक, इसके बाद मैं एक और डिव क्लास लूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा रो। अभी तक हम यही कर गया, कंटेनर के अंदर रो, रो के अंदर कॉलम। ओके, डिव क्लास रखी मैंने कॉल, MD-6। ठीक, अभी मैं क्या करूंगा, जो मेरा क्लास है, ठीक है, कॉल हाइफन MD-6, इस तरीके से हम लोग करते थे। क्लास कॉल MD-6, ठीक है, तो समझते हैं। मैं यहाँ डबलिंग पहले लिख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे भी हम वही लिखते हैं, ठीक है, और हम इसको फाइल पर रन करवाते हैं। ओके, सबसे पहले तो मुझे अपना सर्वर ओपन करना पड़ेगा, मेरा सर्वर ऑन है कि नहीं। लोकल होस्ट चेक करते हैं, प्रैक्टिस पीएचपी। ओके, सर्वर मेरा ऑन है बूटस्ट्रैप, उसके अंदर मेरी जो फाइल है वो फाइल का नेम है नेस्टेड डॉट पीएचपी। उसके बाद मैंने क्लासेस जो बनाई थी, तो दो क्लासेस थी मेरी, है ना, सॉरी दो कॉलम क्लासेस थी। इसका नाम मैंने 6:6 दे रखा, स्क्रीन का साइज 6 तक दे रखा, अभी इस पे बॉर्डर सेट नहीं है। ठीक, तो क्या करते हैं, पहला तो बॉर्डर सेट कर लेते हैं इस पे। डन, चेक। ओके, तो फिर से इसको एक इनकॉग्निटो विंडो ओपन करना पड़ेगा। इनकॉग्निटो विंडो गाइस इसलिए अच्छी होती है क्योंकि इस पे कुकीज नहीं बनती, कैश नहीं बनती। ठीक है,
इसलिए मैं इनकॉग्निटो को यूज करता हूँ। ठीक है, सो ये तो बात बात थी। अब हम क्या करते हैं, अब इतना तो आपको पता ही गाइस कि कंटेनर है, रो है, कॉलम क्लास है। ठीक, अब आप जैसे कि समझ लो, आपको ये जो पहला कॉलम क्लास है, इस कॉलम क्लास में एक और कॉलम, मतलब कॉलम और ऐड करनी है। ठीक है, मतलब एक फिर से ग्रिड सिस्टम बनाना। तो आप किस तरीके से बना सकते, तो उस चीज को आप नेस्टेड के थ्रू बनाते हो, नेस्टेड क्लासेस के। तो आप सिर्फ एग्जांपल ये से कि मेरा जो क्लास है, ठीक है, मैं क्या करूँ, नेस्टेड क्लास को यूज करने के लिए क्या करेंगे गाइस, हमें कोई कंटेनर नहीं यूज करना पड़ेगा, हमको वापस से रो क्लास को यूज करना, एंड फिर हम रो को डिवाइड करेंगे क्लासेस, कॉलम क्लासेस। ठीक है, ओके, बट ये कॉलम क्लासेस एज कंपेरिजन जो हमारे जो कॉलम क्लासेस है उससे छोटी। ओके, से फॉर एग्जांपल समझाता हूँ, यहाँ पर मैंने एच वन दे दिया। ओके, क्लास, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक पी टैग दे देता हूँ और सॉरी एच वन टैग नेस्टेड क्लास। ठीक, और यहाँ पे डमी कंटेंट सिंपल लिख लिया। अब तो यहाँ क्लोज हो गया, सेम एज इट इज। इसी तरह मैं एक और डी क्लास लूंगा, ठीक, कॉल एम डी सिक्स हैडिंग एंड तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कुछ भी डमी कंटेंट लेता हूँ। व्हाट इज बूटस्ट्रैप स्टीरियो, सेम एज इट इज, इसमें भी वही हम काम करेंगे, डमी कंटेंट लेंगे लेंगे ओके। तो जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा गाइस, क्या किया इसने, हमने क्या करा, हमने नेस्टेड क्लास यूज कर, मींस क्या है नेस्टेड क्लास का, आपने एक एक से फॉर एग्जांपल एक कंटेनर था, एक कंटेनर के अंदर आपने एक रो लिया, एक रो के अंदर आपने क्लास, सॉरी कॉलम क्लास ली, क्लास तो आपने थी, कॉलम क्लास ली, उसके बाद कॉलम क्लास लेने के बाद आपने क्या करा, आपको उसी कॉलम क्लास में और कॉलम क्लासेस ऐड करना। तो आप कैसे ऐड, इस कॉन्सेप्ट के लिए आप यहाँ पे नेस्टेड क्लास का यूज करेंगे। नेस्टेड क्लास का मीन्स क्या होता है, एक कॉलम क्लास के अंदर अगर आपको और मल्टीपल क्लासेस यूज करना है, देन यू कैन यूज नेस्टेड क्लास। आई होप गाइस आपको मेरी नेस्टेड क्लास के ऊपर बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।